ऑडियंस का किया शुक्रिया, कई शो में आएंगे नजर। कई बार इंसान को खुद की प्रतिभा का पता नहीं लग पाता और वह प्रतिभा दब कर रह जाती है। कुछ लोगों की ये प्रतिभा अनायास ही बाहर निकल आती है, तब पता चलता है कि उनके अंदर ये प्रतिभा थी। ऐसे ही कुछ हुआ दिल्ली के हैशटैग डेसिंग दर्जी के साथ। सोशल मीडिया पर लाखों की पसंद बना डेसिंग दर्जी मीडिया के सामने आया और हुआ बड़ा खुलासा। पिछले 20 दिन की लाइफ में और अभी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पहले एक्चुअली देखिए, बीइंग ए नॉर्मल पर्सन, कोई इतनी ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं थी, लोग ना जानते ना पहचानते थे। मगर आफ्टर बिकमिंग अ सेलिब्रिटी, अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, मैं गया और वहाँ पे इवन आप मानोगे नहीं, जितनी लेडीज कोच की लड़कियाँ थी वो सब वहाँ आ गई और वहाँ के लोग फोटो क्लिक करने लगे, लोग अब ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। तो मतलब इस तरह के चेंजेस है जो नज़र आ रहे हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग पहचानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट। और साथ ही साथ हैरानी तब होती है जब मेरे अपनी फोटोग्राफ बने हुई मीम्स मुझे देखने मिलते हैं, जो लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टा पे और अलग सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर रहे हैं। अच्छा, आपको विश्वास? दरअसल ये जवान पैसे से दर्जी नहीं है, ये अपने मित्र के पास दिल्ली के किंजवे कैंप पर किसी काम के लिए दर्जी की दुकान पर गया और दुकान पर इंची टेप अपने गले में डालकर मजाक में दर्जी की नकल करने लगे। तभी साथ आए दूसरे दोस्त ने फोटो खींच लिया। तभी दोस्त उसका दर्जी का रूप देखे और उसका मजाक उड़ाए, इस इच्छा से उस फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुई, कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम पर इतनी वायरल हो गई कि लाखों की संख्या में लाइक मिले। एक तरफ से इतनी जल्दी आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई? नहीं, बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी, जो कभी ना तो सोचा था ना ड्रीम था और ना ही कभी इस तरह की कुछ भी प्लानिंग थी। लेकिन वही वाली बात है कि चेंजेस तो होते ही है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इट वाज, आई कैन से दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग फॉर मी, इट वाज टोटली अ शॉकिंग न्यूज फॉर मी जब मुझे पता चला कि इस तरह से मेरी पिक वायरल हो गई और इस तरह की सरकमस्टेंसेस मेरे सामने आ रहे हैं। तो सब डिफरेंट था, लेकिन जो भी था अच्छा था। अच्छा, ये लड़कियों ने हैशटैग डेसिंग दर्जी नाम से इनको इतना शेयर किया कि 2 से 3 दिन में ही विदेशों तक फेमस बना दिया। सुंदर शरीर और उसकी बनावट के हिसाब से हजारों की संख्या में लड़कियों ने इनसे शादी का ऑफर करने लगी। बड़ी संख्या में लड़कियों ने इनके फोटो के साथ टिकटॉक बनाकर शेयर करने शुरू कर दिए। जिन्हें लाखों लाखों लोगों ने और लाखों लाखों लड़कियों ने पसंद किया। इन्हें पसंद और लाइक करने वालों में 90% लड़कियां हैं। दरअसल डेसिंग दर्जी के नाम से फेमस हुए इन शख्स का नाम है ओमकार जेटली, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का धन्यवाद करते हैं जिसने उन्हें भी जगह दी, जिसके बाद उनकी पहचान हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी पहचान और लोगों के लाइक आने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर ओमकार जेटली के पास आने लगे। अभी फिलहाल ये टी सीरीज के एक गाने के लिए शूटिंग कर रहे हैं। टी सीरीज ने इन्हें ये मौका सोशल मीडिया पर इनके लाइक देकर दिया, साथ ही कई दूसरे शो में भी इन्हें जगह मिली है। आपको पता कैसे चला कि आपका मतलब स्टार की तरह आपको लोग देख रहे हैं? पता मुझे इस तरह से चला कि जब मेरी पिक वायरल होने लगी तो सडनली एक दिन मेरे जिस दोस्त ने उसको पिक को अपलोड किया था, उसके पास में किसी एक न्यूज चैनल से कॉल आया, मतलब देखने के बाद में कि आपने अपलोड किया था, ये कौन है। तो थोड़ा उसे भी समझ में नहीं आया, उसके लिए थोड़ा सा एक शॉकिंग चीज थी। तो पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पिक वायरल हो रही है, फिर देखना शुरू किया जगह जगह और पता चलता गया कि पिक कहाँ का वायरल हो गई है, कितने लाख लोग देख चुके हैं, कितने ही लाख लोगों ने कमेंट्स किए हैं, कहाँ का शेयर हुई है। उसके बाद अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स इंटरव्यूज लेने के लिए आने लगे और बातचीत पता चलने लगी, तो तब मालूम पड़ा कि इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब हुई जब कुछ टिकटॉक पे वीडियोज़ देखी, जो टिकटॉक की टॉप परफॉर्मर्स है उन्होंने कुछ ड्यूएट्स बनाए मेरे साथ में, और साथ ही साथ में यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी फेम मिला, तो तब ये सब कुछ पता चला। जानी मानी पत्रिका ने कवर पेज पर इनका फोटो लगाने के लिए भी इनसे बात की है। साथ ही @dancingdarzi_og ने बताया कि वर्ल्ड लेवल की मैगजीन में भी उनका जिक्र हुआ है, जिसमें स्थान मिलना ही गौरव की बात है। इस तरह से मात्र 20 दिन में ही ओजी हैशटैग डेंसिंग दर्जी क्या बने कि देश की नहीं
विदेशों तक फेमस हो गए और बड़ी संख्या में इन्हें लड़कियां पसंद कर रही हैं। मोदी से पूछा गया कि क्या इस तरह के मॉडल के कैरियर में जाने का इनका कोई इरादा था, तो इन्होंने कहा कि एक महीने पहले तक इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था, ना ही इनका इरादा था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा व्यूवर्स ने पसंद किया, इन्हें इसमें अपना कैरियर नजर आया, क्योंकि खुद कंपनियां चलकर इनके पास आई और इन्हें अवसर दे रही हैं। अब ये इसे कैरियर के रूप में अपनाने जा रहे हैं और कहा कि इन्होंने इन्हें लाइक किया है, उनकी आशाओं पर खरा उतरेंगे और उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डबल ए न्यूज़।